हाई एक्वेरियस एंड वेलकम टू फ्लो आर वीडोर हाउ यू गाइज आर डूंगेस एकवेरियस थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ट्रेली मीन अलॉट एक्वेरियस एक्वेरियस में पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एड नंबर मैं व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करो हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती हैं बाई द वे ओके एकवेरियस ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग बोनस अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो लव करते हो उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लेट्स चेक एंजल्स हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स लव लाइफ फॉर एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ फेब 2024 विद बोनस रीडिंग्स लेट्स चेक लेट्स कट द डेक करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन सेवन ऑफ वोंड्स intention of your person queen of wands future action of your person five of wands your energy wheel of fortune your intention five of swords and your future action five of cups oh goodness क्या चल रहा है ये थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ओके फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑफ एट ऑफ सोर्ड्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर ियस अगर आप अभी से ही बता रही हो अगर आप अपने पास में ये कोई अगर आप अपने एक्स की रीडिंग करवा रहे हो देर इज नो फ्यूचर प्यार है ही नहीं पूरे कनेक्शन में एनी वेज ओडियाक्साइड बता देती हूँ लियो जमनास एंड स्ट्रोंग मैनिकुलेटिव स्कॉर्पियो एज वेल ये क्वेरियस क्या है ये सब वट इज गोइंग ऑन फुल्ली टॉक्सिक टॉक्सिक कनेक्शन और टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसी चीज को होल्ड ऑन करके बैठे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है एनी वी लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन दे डोंट लाइक यू एट ऑल आई एम सो सॉरी टू से दिस दे डोंट लाइक यू दे डोंट लाइक यू पसंद नहीं करते हैं आपको बिल्कुल भी उन्हें लगता है यार एक्वेरियस के साथ मेरा कुछ भी नहीं हो सकता एक्वेरियस एक ना समझ पर्सन है बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में करंट एनर्जी में दे फील दैट एक्वेरियस बहुत बर्डन क्रिएट करता है मेरी लाइफ में दे डोंट वांट टू बी विथ यू अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है एक्स की रीडिंग आप करवा रहे हो क्या सोच रहे हो कि ये मेरा एक्स वापस आएगा नहीं आएगा वापस मैं बहुत क्लियर कट बोल रही हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी वन टाइम मैं ये सब चीज़ें मैं पहले ही बता देती हूँ अपनी रीडिंग में ये लाला लैंड नहीं है दिस इज नॉट अ ड्रीमी आइलैंड माई चैनल इज नॉट अ ड्रीमी आइलैंड करंट एनर्जी में मेरे हिसाब से इस पर्सन की लाइफ में बहुत तकलीफें चल रही हैं बहुत तकलीफें है। बहुत ट्रबल्स में मेरे हिसाब से इस पर्सन के ऊपर काफ़ी लोन्स भी चल रहे हैं पैसों की प्रॉब्लम्स भी चल सकती हैं एंड करंट एनर्जी में दे डोंट वांट कि आप कोई ड्रामा आप कोई प्रेशर क्रिएट करो वो आपकी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं वो आपकी तरफ से आप सोच रहे हो कि, कि क्या मैं कुछ दिन के बाद इस पर्सन से बात कर सकता हूँ नहीं दे डोंट वॉन्ट टू एंटरटेन यू एट एनी कॉस्ट नो द आंसर इज अ बिग नो इंटेंशन देखो ये पर्सन ना अभी अप, अपने ऊपर फोकस करना चाहता है इनका इंटेंशन है भाई ये चाहता है कि भाई मेरी मेरी लाइफ में ना अभी बहुत प्रॉब्लम्स है इस मैं इस पर्सन के डायलॉग बता रहा हूँ और अभी मुझे अपनी ही लाइफ में के इशू सॉर्ट आउट करने देर इंटेंशन फॉर यू एस टू कि आप ये चाहते हैं कि आप खुश रहो आप इन्जॉय करो आप सक्सेसफुल हो आपके लिए ऐसा सच नहीं है कि नेगेटिव हो रहे हैं आपके दुश्मन बन रहे बट ये इनका इंटेंशन नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप रखना या आपके साथ पैचअप करना या आप तो एक्स की रीडिंग करा रही हो तो पूरी एक्स की एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं दे फील दैट एक्वेरियस एक बहुत ही डोमिनेटिंग बहुत ही अग्रेसिव किस्म का पर्सन है अग्रेसिव ये भी है ये खुद भी अग्रेसिव है बट ये सोचते हैं कि आप एक बहुत अग्रेसिव पर्सन हो और इंटेंशन आपको आपकी खुशी चाहते हैं बट इंटेंशन दे डोंट वांट टू बी विथ यू नो अट्रैक्टेड हैं आपसे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है बट रिलेशनशिप कमिटमेंट आपके साथ ये एक कोई अफेयर भी नहीं करना चाहते दिस फ्यूचर एक्शन भाई देख मैं बता रही हूँ ये लड़ेंगे आपसे फ्यूचर एक्शन में तो मुझे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो मना लूंगा मैं तो मना लूंगी सब ठीक हो जाएगा नो फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है खूब लड़ाई झगड़ा दिख रहा है खूब ब्लेम गेम दिख रहा है ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है तो ट्रस्ट इशूज है इस पर्सन को बहुत लोगों ने अगर आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स या कॉमन रिलेटिव्स हुए होंगे है तो उन लोगों ने आपके बारे में खूब भड़का के रखा है तो ये वैसे भी ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है तो फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है जितना ज्यादा आप एफर्ट्स करेंगे आपके एनर्जी आई एम सींग योर एनर्जी आपकी भी कोई एनर्जी खास नहीं है आप भी बहुत नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो इन राइट नाउ योर करेंट एनर्जी इज दैट यू हैव दिस फेथ कि नहीं डेस्टिनी पे टाइम आने पे नहीं येगा इसमी आईलैंड में उसको तो आप डिनाई कर रहे हो और आप खुद ही एक ड्रीमी आइलैंड बना रहे हो फेस द रियालिटीज यू आर नॉट फेसिंग द रियालिटी आई एम सो सॉरी टू से आप अपनी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी सेल्फ वर्थ गवा रहे उस पूरे कनेक्शन में मुझे तो ये दिख रहा है क्लियर कट योर इंटेंशन मेरे हिसाब से आपको लगता है कि यार ये पर्सन बहुत ही पावरफुल है अच्छा है इस पर्सन के साथ एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है आप भी कोई प्यार नहीं करते तो, आपके इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है कि ये पर्सन आए वापस इस पर्सन ने आपको तकलीफें बहुत दी हैं इस पर्सन ने बहुत तकलीफें दी हैं आपको आप लोग का अगर रिलेशनशिप भी रहा होगा तो अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा होगा मे बी योर इंटेंशन आई एम दैट यू दिस पर्सन टू कम यू वॉन्ट दिस पर्सन की ये माफी मांगे बैक करे फिर मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा फिर मैं बताऊंगा कि एक्वेरियस क्या चीज है तो शायद आपको इस पर्सन के साथ रिवेंज लेना है आपके इंटेंशन में रिवेंज की एनर्जी आ रही है सो डोंट डू दैट कोई फायदा नहीं होता है रिवेंज लेके आप अप अपना ही कर्मा बढ़ाओगे डोंट डू इट आल्सो एक तो ये दिख रहा है रिवेंज की एनर्जी दिख रही है आल्सो मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को हर्ट करना चाहते हो आप भी इस पर्सन को हर्ट करना चाहते हो आप भी कोई सबक सिखाना चाहते हो पता नहीं मुझे ये एनर्जी आ रही है आपकी उसमें सो डोंट डू दैट और कहीं ना कहीं यू फील दैट यू वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड कि नहीं कि इस पर्सन के साथ मेरा एक फ्यूचर है इस पर्सन के साथ मेरा एक रिलेशनशिप हो सकता है शायद आप दूसरों को या लोगों को दिखाना चाहते हो कि हाँ मेरी एक लव लाइफ है हाँ आई हैव अ सक्सेसफुल लव लाइफ या सोशल मीडिया पे दिखावा करना चाहते हो या लोगों को दिखावा करना चाहते हो क्या पढ़े हो एक वेरियस मुझे तो यही एनर्जी आ रही है आपकी उसमें डोंट डू ऑल दिस वाई आर यू डूइंग विद दिस योर सेल्फ विद योर रीडिंग रेजोनेट करिए तो लाइक like करो एटलीस्ट और बताओ अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन पे बताओ कि क्या है एक्चुअल स्टोरी योर फ्यूचर एक्शन मेरे हिसाब से तो आप महीनों से इस पर्सन पे स्टक हो फ्यूचर एक्शन में भी मुझे यही दिख रहा है आप स्टक रहोगे आप रोते ही रहोगे आप इस पर्सन के लिए स्टक रहोगे ये तो मूव ऑन करेंगे बट आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे फ्यूचर में आप अपने आप को कोसोगे आप कहोगे कि क्या हुआ क्या नहीं होगा ऑल्सो तो आपको लोग अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं नए लोग अप्रोच करेंगे बच्चा है था आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ये सब दिख रहा है मुझे एक वेज डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन क्या कार्ड्स हैं खुद ही देख लो टैरो कार्ड रीडिंग आती है ना आप लोग को आप लोग कहते हो कार्ड्स बताओ नहीं इस कार्ड का मतलब ये होता है खुद ही देख लो व्हाट डू यू वांट कुछ नहीं है डोंट बी स्टक मुझे तो दिख रहा है एक्वेरियस आप महीनों से स्टक हो इस होल कनेक्शन में क्या कर रहे हो अपने साथ ये पट्टिया खोलो और इससे हटो इस, इस, इस वोट्स की एनर्जी से फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज होने वाला है आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाओगे आपके करियर पे मुझे इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है ऑल्सो टावर एनर्जी दिस इज अ डेड एंड आई एम नॉट सी एनी काइंड ऑफ आई एम नॉट सी एनी काइंड ऑफ होप इन दिस कनेक्शन नो देर इज नो होप नो 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 ऑल्सो इफ यूर इन दिस रिवेंज रिवेंज फी मत करो रिवेंज लोगे आपके ऊपर कर्मा आएगा अभी बता रही हूं तो डोंट लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन चूज योअर सेल्फ रिस्पेक्ट चूज योअर सेल्फ वर्थ आप अपनी सेल्फ वर्थ तो रियलाइज ही नहीं कर रहे हो आई एम सींग दैट आप सिंगल रहोगे फॉर अ टाइम फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप पांच छह महीने तक सिंगल रहोगे आप अपने काम पे आप अपने ऊपर वर्क करोगे दिस इज योर एनॉजी सुधर जाओ एक वेरियस यही रीडिंग हुई है आज की बाकी कोई भी इशू हो आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक करो ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्रॉड आवर वीडियो बाय बाय